सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी तिन्ह दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अते सतगुरु पातशाह जी दे महान गुरसिख प्यारियां दे पावन शहीदी अस्थान गुरद्वारा सीसगंज साहिब विखे जुड़ बैठी साध संगत वडभागे जीव हाँ जो सतगुरां ने अपने चरणा अंदर जुड़ बैठन दा इस सुभागड़ा समा सानू बख्शिया है। आसा की वार दी पावन बाणी दे कीर्तन आप जी ने सत्कार जो गुरमुखां दे पासों श्रवण किते हन उपरंत इस पावन इतिहासिक अस्थान ते चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार दे तहत अज जेड़े पावन बचना दी विचार नाल असी जुड़ना है सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी तिन्हां दे पावन रसना तो आप जी ने भगत कबीर जी दे गौड़ी राग दे अंदर बावन अखरी दे पावन बचन श्रवण किते हन। आओ सतगुरु पातशाह जी दा ओट आसरा लेंदिया होया इन्हां बचना दी विचार नाल जुड़न तो पहला सारी संगत बड़े ही प्यार अदब सहित सतगुरां दी बख्शिश फतेह सांझी करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ए पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 342 पर सुशोभित हन। चार पदियां दा पाठ आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब जी पासों श्रवण किया है जो इस चल रही पावन बाणी दे आखरी पदे हन। गुरु प्यारी साध संगत गुरबाणी दे अंदर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर सानू इंसान दियां दो तस्वीरां वार वार दिखाईयां गईयां ने। एक सानू उन्हां गुरमुख प्यारियां दे दर्शन बाणी करवाउंदी है जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम दे विच जुड़े हन ते एक उन्हां दी हालत भी दिखाउंदी है जिहड़े परमात्मा दे नाम तों टुट्टे होए हन। जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े उन्हां दे दर्शन करवा के भी नाम दे नाल जुड़न वास्ते सिमरन वल बंदगी वल प्रेरित किया गया है ते जिहड़े साध संगत टुट्टे होए ने उन्हां दी हालत दिखा के भी सिमरन दे मार्ग वल सानू गुरबाणी तुरन दी ताकीद करदी है। अज दे इन्हां पावन बचना दे विच भी सत्कारयोग बाबा कबीर साहिब जी ने सानू ये दोवें हालतां जिहड़ियां ने ना सानू जुड़िया होयां दे भी दर्शन करवाए ते साडे सामने टुट्टिया होयां दी भी हालत दिखाई है कि जिहड़े टुट जांदे ने परमात्मा दे नाम तों उन्हां दा हशर की हुंदा आ। ते ये दोवें तस्वीरां दिखा के सानू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ रहे हन सत्कारयोग बाबा कबीर साहिब जी। आरंभता दे अंदर बड़े प्यारे बचन हन सस्सा सो शह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। कबीर साहब जी कहिंदे हन कि जिहड़ी जीव इस्त्री अपने हिरदे रूपी सेज नूं सवारदी है अपने हिरदे रूपी सेज नूं शिंगारदी है अपने हिरदे नूं साफ करदी है अते अपने जीवन दे विच्चों हर एक तरह का शंका हर एक तरह के संदेह दा निवारण करती है। इत्थे भगत कबीर साहिब जी
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਸੈ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਸ਼ਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਸ਼ਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ, ਅਤਮਲੀਨ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੰਦਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੰਦਲਾ, ਭਾਂਡਾ ਅਤਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਅਤਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਲੀਨਤਾ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
बड़ी प्यारी गाथा कि किसी बजुर्ग माता ने एक राह चलदिया महापुरश नूं पुछिया, सवाल किया। वो माता कहन लगी कि महापुरशो, मैनू परमात्मा दे नाम की दात दिओ, मेरे मन दे विच नाम वस जावे। मन दे विच नाम टिकदा नहीं, सिमरन टिकदा नहीं। तो महापुरश अगों कहन लगे कि नाम की दात जिहड़ी है वह तुहानू इवें किवें दित्ती जा सकती है। नाम की दात जिहड़ी वह तुहानू राह चलदिआं नहीं दित्ती जा सकती। जे तुसी मन दे टिकण दी गल पुछदे हो ते टिकाओ दे विच पुछणी चाहीदी है, एवें राह चलदिआं नहीं पुछणी चाहीदी। तो फिर माता अगों कहन लगी कि तुसी मेरे घर आओ, मैं तुहाडी प्रशादे पाणी नाल सेवा करांगी। महापुरख अगले दिन उहदे घर गए। माता ने महापुरशां दे वास्ते खीर तैयार कीती। हुण महापुरश जदों उहदे घर गए कहन लगे, आ माता मैं तैनूं रब दे नाम दी गल दसां। पर वो माँ ने माता ने बड़े प्यार नाल खीर तैयार की हुंदी है। वो कहन लगी कि पहलां तुसी इह खीर दा प्रसाद छको, मैं बड़े प्यार नाल तुहाडे वास्ते तैयार किया। वो कहन लगे कि ठीक है, मैं खीर दा प्रसाद छकदा, तू लैके आ। ते महापुरखां ने अपना भांडा उहदे अगे कर दिता, अपना कासा उहदे अगे कीता। जदों माता खीर लैके आई तो उसने वह बर्तन वेख्या, वह भांडा वेख्या, तो वह बर्तन सा संगत गंदगी दे नाल भरिया होया सी। वह माता नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, कहन लगी मैं तो तुहानूं बड़ा सियाणा समझिया, मैं तो तुहानूं महापुरश समझिया, पर तुसी तो मूर्खां वाला काम कर रहे हो, तुसी तो अयाण मत वालियां वाला काम कर रहे हो। इस गंदे भांडे दे विच इह खीर किवें पै सकती है? मैं एडे प्यार दे नाल तैयार कीती, दुध रूपी अमृत तों यह खीर तैयार होई, चंगा ये पकवान खाण वाला, ते तुसी कहिंदे हो कि गंदगी दे नाल भरे भांडे दे विच पा दियां, ये नहीं पै सकदी। महापुर कहन लगे, वो मेरा मसला कि मैं किवें दे भांडे दे विच खीर पाउणी। माता कहन लगी, नहीं, मैं बड़ी भावना नाल तैयार कीती, मैं इस गंदे भांडे दे विच खीर नहीं पा सकदी। ते महापुरख अगों कहन लगे कि जे खीर एक गंदे भांडे दे विच नहीं पै सकदी, तो रब दा नाम भी जिहड़ा वह मलीन होए मन दे विच नहीं टिक सकदा। परमात्मा दा नाम भी एक मलीन एक गंदले मन दे विच प्रगट नहीं हो सकदा, उहदे वास्ते मन साफ होना जरूरी है। सा संगत, परमात्मा दे नाम दा वासा कित्थे है? जदों असी गुरबाणी नूं पुछदे हाँ ना कि नाम दा वासा कित्थे है, नाम किवें टिकना मन दे अंदर, तो मैं बेनती करा परमात्मा दा नाम कितों बाहरों आके नहीं टिकना। परमात्मा दे नाम ने कित बाहरों आके मन दे विच नहीं वसना, सगो गुरबाणी ने तो सानू ये सोझी दिती, ये समझाया एका सेज विशी धन कंता, एक ही सेज दे उपर, एक ही बिस्तरे दे उपर, एक ही आसन दे उपर मन अते परमात्मा दोवें इकट्ठे बैठे हन। एका सेज विशी धन कंता, धन सूती फिर सद जा गंता, पियो मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता। मन अते परमात्मा एक ही सेज दे उपर हन, बैठे बिल्कुल लागे लागे हन, आसन बिल्कुल लागे लागे है, पर फिर भी जन्मां जन्मांतरां दी दूरी पई होई है। ते उस दूरी दा कारण यह है कि परमात्मा ते सदा जागदा, पर यह मन जिहड़ा यह पियो मदरो धन मतवंता, यह विशियां विकारां दे नशे दे विच सुत्ता होया। किते बहुती जायदाद है, उस जायदाद दे हंकार दा नशा चढ़िया होया। किते मन दे अंदर काम वाशना रूपी विकार है, उस काम वाशना दा नशा चढ़िया होया। किते क्रोध दा नशा चढ़िया होया, किते मोह दा नशा चढ़िया होया। ऐसी मदुरा दे अंदर यह मन जिहड़ा बिल्कुल बेहोश हो के सुत्ता पिया, जिवें असी सुते होइए, बेहोश हो के सुते होइए, साढ़े लागे कौन आया कौन गया सानू उहदे बारे रत्ता भर भी पता नहीं चलता। इहदा मन दे नाल ही परमात्मा दा वासा, पर मन माया दे मोह विच सुत्ता होया, नाल वसदे होए परमात्मा दी इहदे नाल सांझ बाणी नहीं आउंदी। ते उहदे वास्ते फिर करना की पवेगा? अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा जदों किरपा कर दे, गुरु की संगत बख्शिश कर दे, फिर गुरु की संगत दे विचों ओ किरपा हुंदी है। इंसान बाहर लभदा फिरदा,
पर गुरु इंसान नूं घर दे विच ही नाम रूपी अमृत दे दर्शन करवा देंदे ने। बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था। जिन्हों बाहर लभदे रहे गुरु ने उहदे दर्शन अपने घर दे विच अपने हिरदे दे विच ही करवा दिते। बाणी दे बड़े प्यारे बचन ने, हाउ हाउ भीत भयो है बीचो सुनत देस निकटायो, पंभीरी के पात परदो बिन पेखे दूर आयो। परमात्मा हिरदे दे विच ही वसदा है। हाउ हाउ भीत भयो है बीचो, पर मिलाप क्यों नहीं, क्योंकि विच एक कंध है। वह कंध कादी, वह है हौमे की कंध। वह कंध टुटदी है सा संगत जदों इंसान गुरु के दर ते आउंदा, क्योंकि यह कंध तोड़नी जिहड़ी है ना, ये बड़ी बड़ी वड्डी ये बख्शिश है कि कितने ये कंध हिरदे दे विचों हौमे की कंध टुट जाए। जपजी साहब के अंदर रमता दे विच ही गुरु नानक साहब पातशाह जी कहिंदे ने, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल। ये जिहड़ी अंदर पाल बनी हुई है परमात्मा अते जीव दे विच कोई बहुता फर्क नहीं, बस एक आप ही असी कंध उसारी हुई है, एक आप ही परदा असी ताणिया होया हौमे का। वह हौमे का पर्दा गुरु की कृपा के नाल दूर हुंदा, मन का भांडा साफ हुंदा। जेड़े अपने मन के भांडे नूं साफ कर लैंदे ने, जेड़े अपनी हिरदे रूपी सेज नूं सवार लैंदे ने, सस्सा सोशा सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। जिन्हां ने अपने मन के विचों हर एक तरह का शंका निविरत कर लिया, हर एक तरह का शंका परमात्मा दे बारे जिन्हां ने अपने हिरदे दे विचों मन विचों खत्म कर लिया, सा संगत परमात्मा दे मिलाप दा राह जिहड़ा ओह प्रेम दा है। असीं बाणी दे बचन भी पढ़दे हाँ, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पर प्रेम दे रस्ते दे विच एक बड़ी वड्डी रुकावट हुंदी है, ओह है शंका। जिथे शंका आ जावे उत्थे प्रेम नहीं। ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां ये इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। तो जदों गुरु की संगत इंसान करदा, फिर गुरु उहदे ते इन्नी कृपा करदे हन, हर एक तरह का शंका, हर एक तरह का इंसान का भरम भुलेखा गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की बख्शिश दे नाल, गुरु की संगत दे विचों निकल जाता है। तो साध संगत जदों भरम गुरु की कृपा दे नाल दूर हो जाए, हर एक तरह का शंका दूर हो जाए, फिर हिरदे घर अंदर वसदे हुए परमात्मा दे प्रतख दर्शन दारे जीव नूं हो जाते हैं। फिर अवस्था की बनती है, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्री ओ कंत कहावा। फिर जेडे अल्प सुख ने, अल्प सुख का भाव है जेडे खिण मात्र सुख ने, जेडे सुख कोई बहुता लंबा समा साढ़े कोल रहन नहीं वाले। संसार दीयां चीज़ां, संसार दीयां वस्तां, संसार दे पदार्थ ये साड़ियां सहूलतां दे वास्ते ने, पर ये चिर सदीवी नहीं, इन्हां दी कोई म्याद है। जां ते संसार दे पदार्थ खत्म हो जांदे ने, जां इन्हां नूं भोगदा भोगदा इंसान खत्म हो जांदा। जुगां जुगंतरां तों ये वरतारा चलदा आया, असीं पदार्थ भोग रहे हाँ, साढ़े वड्डियां वडेरियां ने पदार्थ भोगे, उन्हां ने खाधे, वह थक के संसार तों चले गए। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। असी खा रहे, साढ़े वड्डियां वडेरियां ने इस संसार ते आके पदार्थां नूं भोगिया, वह चले गए। असी खा रहे हाँ, असी पदार्थां नूं भोग के असी चले जाना, आउण वालियां पीढ़ियां ने आ जाना। गुरु प्यारी साध संगत भगत कबीर जी सानू इत्थे ये समझा रहे हैं कि भलिया पुरखा, जिहड़े इस संसार के पदार्थां दे सुख ने ये खिण मात्र हन, पर परमात्मा दे नाम दा सुख वह सदीवी है। जेकर परमात्मा दे नाम दा सुख तेरे जीवन दे अंदर आ जावे, परमात्मा दे नाम दे नाल तेरी सांझ बन आवे, तां ये सुख हमेशा तेरे नाल निभण वाला। ईत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गणी है, बिणस जाए जो निमख मैं सो अल्प सुख पड़ी है। जेड़ा इत्थे उत्थे हर एक थां ते अंग संग सहाई हुंदा, वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जे सांझ बन आवे, वह असल दे विच परम सुख है। बाकी दे जिहड़े सारे सुख ने, बिन सजाए जो निमख मैं, ये पलां दे विच ही सारे सुख खत्म हो जाते हैं। एक बेनती करा, संसार की कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु इंसान नूं हमेशा वास्ते सुख नहीं दे सकती। एक छोटी जी उदाहरण है,
ਸਿਆਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੋਰ ਦਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾ ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬਹਿ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੋਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾ ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मैं तुहानू सवाल किया रब की होन दे बारे, तुसी अपने आप नू संत अखवाउंदे, दुनिया तुहानू नमस्कार करदी, पर तुहाडे कोल मेरी गल दा जवाब नहीं, तां करके तुसी मैनू मारिया। संत जी कहन लगे, भलिया मैं ते तेनू मारिया ही नहीं। वह कहन लगा कि नहीं, तुसी मैनू मारिया, मैनू अजे भी दर्द हो रही है। संत कहन लगे, जे तेनू दर्द हो रही है तो तू मैनू दर्द विखा। कहन लगा, मैं दर्द विखा नहीं सकदा, पर मैनू दर्द हो रही मैं उसनू महसूस कर सकदा। तो वह संत कहन लगे, जिवें तू अपने दर्द को दिखा नहीं सकता पर उसनू महसूस कर सकदा, मैं भी तेरे वर्गी बिरती वाले नू परमात्मा दिखा नहीं सकता पर मैं उसनू हमेशा अपने अंग संग महसूस करता हाँ। दुकालन प्रनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते। वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा सदा ही अंग संग है, हमेशा ही वह हाजिर नाजर है, पर सा संगत ये सच है, आ बार दियां अखां दे नाल वह रब नहीं दिखता। आ बार दियां अखां दे नाल जे कोई कवे कि मैनू सबूत दिता जाए तो यह सबूत इन्हां अखां दे नाल नहीं, बाणी ने फैसला दे दिता, नानक से अखड़ियां बयान जिनी डसंदो मा पिरी। वह अखा ही होर ने जिन्हां दे नाल रब दे दर्शन हुंदे, वह अखां कादियां, वह हन प्रेम दियां अखां, वह हन शरदा दियां अखां, वह हन विश्वास दियां अखां, भावना दियां अखां, जिन्हां दे अंदर विश्वास, जिन्हां दे अंदर प्रेम, जिन्हां दे अंदर भावना है, वह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे हर थां दर्शन दिदारे करदे ने, उन्हां नूं हर थां रब नज़र ही आउंदा है। असी सिख इतिहास दे विच बड़ा प्यारा जिक्र पढ़ते हाँ, मैं टूक मात्र बेनती करा, भाई कन्हैया जी आनंदपुर साहब विखे मैदाने जंग दे विच उह साध संगत जी जख्मी होए, दुश्मन दे फौजियां नूं भी उन्हां सिपाहियां नूं भी पानी दे घुट पिआउंदे ने, शिकायत आउंदी गुरु पातशाह जी दे कोल, भाई कन्हैया जी नूं बुलाया जांदा। सतगुरु कहिंदे, भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई कि तुसीं दुश्मनां नूं पानी पिआ रहे हो। भाई कन्हैया जी हाथ जोड़ के कहिंदे, अंतरजामी गुरु परमात्मा जी, यह सच है कि मैं जंग दे मैदान दे विच पानी पिआ रहा, पर यह बिल्कुल झूठ है कि मैं दुश्मन नूं पिआ रहा। उन्होंने अगों जिहड़ा जवाब दिता वह कहण लगे, किसी कवि ने बड़े प्यारे बचना दे विच वह लिखिया, कहण लगे, भाई कन्हैया जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं कहा कि दाता, सारे मैदान अंदर तेथों बाहर कोई नदरी आया ही नहीं, जिथे चौवां तेरा ही मुख दिसे, किसी गैर दे मूँह विच पाया ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, मैं किसी गैर दे मूँह विच पानी नहीं, मिंड ते सारियां दे विचों तुहाडा चेहरा नज़र आया। इत्थे इहदा मतलब ये नहीं कि जिहड़े बाकी दे सिख जिहड़े जंग दे मैदान विच लड़ रहे ने उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन नहीं किए, उन्होंने अपना धर्म युद्ध का वह फर्ज निभा रहे ने, कर्म कर रहे ने, पर जदों किसी के हाथ विचों शस्त्र डिग पए, जदों किसी का शरीर लड़न तो असमर्थ हो गया, जदों कोई जख्मी हो के मैदानी जंग दे विच डिग्गिया, तो उत्थे वह कोई दुश्मन नहीं, उत्थे तां वह एक बेसहारा, उत्थे तां साध संगत तो एक लोड़वंद बन जाता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बड़े खुश होए, भाई कन्हैया जी की सेवा तो बड़ी उन्होंने शाबाशी दी, बड़िया बख्शिशा दित्तियां भाई कन्हैया जी नूं। साध संगत जिहड़े जीवां दे अंदर भावना है, जिहड़े जीवां दे अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, यकीन है, क्योंकि ये प्रेम दा मार्ग, ये प्रेम दा मार्ग विश्वास श्रद्धा यकीन भावना दा मार्ग है, ये तर्कां दा, ये दलीलां दा, ये सबूतां दा, ये प्रूफां दा मार्ग नहीं। साध संगत ये मार्ग भावना दा मार्ग, जिहड़े भावना दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे हर थां दर्शन दीदारे कर लैंदे ने, फिर उन्हां दे उपर ये बख्शिश हुंदी है कि वह अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नूं ही हर थां महसूस करदे ने ते अपनी हस्ती नूं भी भुला देंदे ने। बड़े प्यारे वचन ने, है तो सही लखै जो कोई, परमात्मा है तो सब थां पर उहदे दर्शन उदों हुंदे जदों कोई करा दवे। असी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे दर उपर जुड़ बैठे हाँ ते बड़े प्यारे वचन सतगुरु पातशाह जी ने सानू बाणी दे विच समझाए ने, होर भी गुरु पातशाहियों की बाणी के अंदर असी ये बचन पढ़ते हाँ। सतगुरु पातशाह जी सानू दृढ़ करवाते हैं, पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई, सगल बनस्पत मह बसंतर,
सगल दूद मैं किया, ऊच नीच मैं जोत समाणी, घट घट माधो जिया। जिवें सारी बनस्पति दे विच अग है, जिवें दुध दे विच मक्खण है, हुण किसे अनजाण बंदे दे अगर दुध दा कटोरा रखिया जावे, उहनूं कहा जावे इहदे अंदर मक्खण है, वह कहेगा मैनूं तो दिखाई नहीं दे रहा, पर उही किसे स्वाणी इस्त्री दे अगे रखिया जावे, वह कहेगी हाँ इहदे विच मक्खण है, पर एक जुगती दे नाल उस मक्खण नूं प्राप्त किया जा सकता इस दुध नूं रिड़क के। इदां ही अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा हर थां हाज़र नाजर है, पर एक जुगती दे नाल उसदे दर्शन किए जा सकते ने। वह जुगती फिर उही है, जे कोई दिखा दे, जे कोई मिला दे, जे कोई दर्शन करवा दे, कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप विचाई। क्योंकि अपने यतना नाल नहीं, मनुख अपने कर्मां दे नाल उहदे दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ये गुरु ने ही कृपा करनी है। बारहवां दे विच असीं पढ़ते हाँ ना, आपण लिया जे मिलै विछण क्यों रवन। जेकर अपने कीतिया ही परमात्मा का मिलाप मिल सकता तो जीव उहदे तों विछड़ के रोंदा क्यों फिरदा। अपने हथ बस कुछ नहीं, ये तो गुरु ने कृपा करनी, गुरु ने बख्शिश करनी है। जदों गुरु की कृपा हो जाए, कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुरु मिले हैं, दिब दृष्ट होई। सतगुरु की कृपा दे नाल ये दृष्टि इदां दी हुंदी है कि चार चफेरे परमात्मा के दर्शन ददारे हुंदे ने, हर थां परमात्मा के दर्शन हुंदे, ते जेड़े हर थां परमात्मा नूं देख लैंदे तब उही ओ ये ना होई, फिर उन्होंने वास्ते हर थां परमात्मा वो अपनी हस्ती नूं भी भुला देंदे कि मैं भी कुछ हैगा। बड़े प्यारे बचन ने साध संगत जी, पावन बाणी दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने सोने दे गहनियां दी उदाहरण दे के सानू समझाया है। कहिंदे ओए जो बीच हम तुम कश होते, तिनकी बात बिलानी। कहिंदे कि जिहड़ा परमात्मा अते जीव दे अंदर जो कुछ विच एक दीवार हौमे दी बनी हुई है, जदों ओह विचों खत्म हो जावे, ओए जो बीच हम तुम कश होते, तिनकी बात बिलानी। जदों ओह बिलानी भाव के बिनस जावे, खत्म हो जावे, तां उदों की बख्शिश हुंदी है। अलंकार मिल थैली होई है, ताते कणिक वखानी। जिवें साध संगत देखो, सोने तो कई तरह के गहने बनते ने, कोई कन्ना च पाउण वाला, कोई गले च पाउण वाला, कोई हाथ च पाउण वाला, कोई पैरां च भी पाउण वाला गहना बनता। हर एक गहने का आकार वखो वख है, हर एक गहने की शकल, उहदा नाम, उहदा रूप रंग, उहदे विच सोने की किन्नी मात्रा, किन्ने कैरेट का होवेगा, वह सब कुछ अलग अलग है। हर एक गहने की अपनी हस्ती है। जेकर कोई गोल होवेगा, तुसीं वेख के कह दोगे ये कड़ा आ, ये वाली है, ये शाप है, क्योंकि उहदा एक आकार है, उहदा एक रूप है, उहदा एक रंग है। पर जेकर उही सारे गहनियां नूं सुनियार कठाली दे विच पा के उहनां नूं गाल दवे, ते उस तों बाद विच जदों उह सोना बन जावे, सोने का एक बिस्कुट जां एक ढेला बन जावे, ते तुहाडे अगे उह रख दवे कि दसो हुण इह किहड़ा गहना, ते तुसीं कहोगे भी हुण इह कोई गहना नहीं, इह ते सिर्फ सोना ही है। इदां ही साध संगत, संसारिक जीव रूप रंग तों वख वख हन, वखो वख शकलां, वखो वख नाम, वखो वख अहुदे हन। जिन्ना चिर परमात्मा दे दर्शन दारे नहीं, जिन्ना चिर अपनी होंद अपनी हस्ती खत्म नहीं होई, उन्ना चिर वखो वख। पर जदों ही अपनी हस्ती खत्म हो गई, जदों गुरु ने कृपा की, अंदरों हौमे ढल गई, अंदरों ये दीवार निकल गई, अंदरों ये पर्दा दूर हो गया, उहदे तों बाद विच अलंकार मिल थैली होई है, ताते कणक वखानी। उहदे तों बाद विच फिर सारे ही इक्को जिहे, उदों फिर कोई वैरी जां कोई बेगाना नज़र आउंदा ही नहीं है। ये कृपा हुंदी है गुरु दे बख्शिश दे नाल। जदों गुरु ये कृपा कर दे, अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मन तानी। जदों गुरु ने नाम रूपी अमृत का हीरा इंसान नूं बख्शिश कर दिता, फिर उदों उहदे ते ये बख्शिश हुंदी है कि चार चफेरे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे दर्शन ददारे हुंदे हन। सतगुरु पातशाह जी दे इन्हां पावन बचना दे अंदर बाबा कबीर जी अगे बचन करके समझा रहे ने, ल्यों ल्यों करत फिरै सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग। कई तां हन जिहड़े गुरु की संगत करके अंदरों विशे विकारां नूं खत्म कर लैंदे,
पर कई जिहड़े विशियां विकारां दे विच ही खचत रहिंदे। मैं आरंभ विच ही बेनती कीती सी कि दो तस्वीरां दिखाईआं ने, एक जुड़िया होइआं दीआं, जिहड़े जुड़ गए वह हर थां परमात्मा दे दर्शन करदे, वह परमात्मा दा रूप ही हो जांदे ने, पर जिहड़े नहीं जुड़े साध संगत वह मोह माया दे विच फसे, वह संसार की धन दौलत दे पिछे, संसार दे पदार्थां दे पिछे भज के अपने जीवन नूं खचत करदे रहिंदे हन। ल्यों ल्यों करत फिरें सब लोग, ता कारण व्यापै बहु सोग। फिर वह माया की भज दौड़ दे कारण कई तरह के दुख अपने जीवन दे विच उठाउंदे ने, कई तरह के दुख उन्हां दे जीवन दे विच आउंदे ने। साध संगत सुखमणी साहब जी दे अंदर सानू धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने बड़ा प्यारा समझाया, ये ल्यों ल्यों करन वाली जिहड़ी बिरती है ना साड़ी कि होर आ जावे होर आ जावे। पातशाह कहिंदे सहस खटे लख को उठ तावै, तृप्त ना आवै माया पाशै पावै। जिहड़ा ये माया दे पिछे भजन वाला ये कदी रज नहीं सकदा। इहदी ते हालत ये है ज्यों पावक ईंधन नहीं तरापै, बिन हर कहा अगाई अग बलदी होवे। तो तुसीं कहो भी इहदे विच बालन सुट सुट के मैं अग बुझा देंगा, नहीं बुझनी, सगो जिन्ना बालन पई जाएगा अग होर मचदी है। इस तरह ही माया की अग अंदर जिहड़ी बलदी है, असीं सोचदे हाँ कि शायद इन्ना क मिल जाए तो रज जावांगे, पर जदों ओना मिल जाता तो रजदे नहीं, सगो हालत हो जाती है सैस खट्टे लख को उठता वै, वह अग होर बलदी रहिंदी है। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाह करोरे, मन ना होरे परे परे ही को लुझी है। करोड़ां जोड़ ले लखां जोड़ ले पर अज भी मन नहीं रज्जिया, मन इको ही चीज़ दे नाल रज जाते। साध संगत मन दे रजन दा इको एक साधन है, वह है संतोख, बिना संतोख नहीं को रज है। संतोख तो बिना कुछ भी नहीं रज सकता साध संगत, संतोख तो बिना तो इंसान की हालत, इंसान के मन की हालत उस भांडे वर्गी है जिस भांडे का तला ही है नहीं है, जिसका बेस ही है नहीं है। उस भांडे दे विच तुसी जिन्ना कुछ भी पाई जाओगे पई जाएगा, पर वह भांडा कदी भरना नहीं। जिथे संतोख होवे उत्थे वह भांडे भरे होंदे ने। एक बड़ा प्यारा जिक्र इतिहास के आता, भाई लहणा जी धन गुरु अंगद दे पातशाह जी, जदों भाई लहणा जी दे रूप दे विच खडूर साहब की धरती ते रहिंदे हन, ते दो तीन घटनावां इन्हां दे जीवन दीआं आउंदीआं, जिथों गुरु नानक दे घर दा प्रेम जागिया। एक तां भाई जोत जी दे कोलों बाणी सुनी, ते एक गुरु नानक साहब दा होर सिख सी भाई शीआं, जिहड़ा बड़ा गरीब सी पर है बड़ा संतोखी। दो तीन दिन बीमार होया ते दिहाड़ी वास्ते मजदूरी वास्ते ना जाया गया, जिन्ना क पैसा धेला सी वह लैके भाई लहणा जी की हट्टी ते गया, सौदा खरीदया, सौदा बड़ा थोड़ा आया। भाई लहणा जी ने अपने कोलों, क्योंकि भाई लहणा जी भावें गुरु नानक साहब के दर्शन नहीं अजे किते पर है धर्मी पुरख सन, अपने धर्म के इंसानियत धर्म के पूरे सन, उन्होंने वेख्या कि जिन्ने क पैसे इस सिख ने दते आ, ये घर के दो जी तीन प्रशादे तैयार नहीं होने। भाई लहणा जी ने अपने पल्यों कोई रसद पानी होर वध दे दित्ती। भाई शिया ने वेख्या कि जदों मेरे दिते हुए पैसों तो वध सौदा मैनू मिलिया, उन्होंने वह सौदा वापस कर दिता। कहन लगे मैं ये नहीं लै सकता क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म है कि जिन्ना क है अपने हक का ही खाना, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। जे कोई पराया हक खांदा तो गुरु पीर उहदी कदी हामी नहीं भरदा, उहदी गवाही नहीं भरदा। भाई लहणा जी बड़े हैरान होए कि मैं दे रहा इनू इन्हें मंजूर नहीं किया, तीन क प्रशादे मसा पकने आ, तो ये कहिंदा मेरे गुरु ने ये मैनू सिख्या दित्ती है, वेखदे हाँ कि भला ये तीन प्रशादियां दे नाल किवें गुजारा करदा। जदों शामा पैंदियां हन भाई लहणा जी अपनी दुकान वधा के भाई शिया दे घर वल नू आउंदे ने। प्रशादा तैयार किया गया, तीन प्रशादे तैयार होए, पत्नी ने एक प्रशादा अपनी थाली दे विच, दो प्रशादे पति दी थाली दे विच रख के लियांदे, अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा शुकराना किया। मैं कई बार सोचदा कि साडे कोल इन्ना कुछ हुंदा साध संगत, बहुत कुछ हुंदा साडे कोल, पर बहुत कुछ होण दे बावजूद भी असीं इन्ने क कंगाल आ कि साडे कोल रब दा शुकराना नहीं हुंदा। बहुत कुछ हुंदा पर परमात्मा का शुकराना नहीं हुंदा। भाई शिया की थाली के अज तीन प्रशादे, दोवां
मियाँ बीवी की थाली दे विच सवेर का पता नहीं, पर अज भी रब का शुकराना कि परमात्मा तेरा दिता खा रहे, तेरा धन्यवाद, इन्ने जोगे हुए हैं। सात संगत प्रशादा छकन लगते, दरवाजे के उपर कोई फकीर आउंदा, आवाज़ देंदा कि सारे पिंड दे विच आवाज़ दित्ती, किसी ने प्रशादा नहीं दिता, जे प्रशादा होवे तां एक प्रशादा दे दिओ। जिन्हां दे कोल तीनों तिना चों एक प्रशादा दे देंदे, भाई लैणा जी इह सारा कुछ देख रहे ने, तिना दे विचों एक प्रशादा दे देंदे, उह फिर आवाज़ देंदा, अजे तृप्ती नहीं होई, एक होर मिल जावे, एक होर प्रशादा उहनूं दे देंदे, ते एक प्रशादा अद्धा अद्धा करके भाई शीआं ते उहनां दी पत्नी छकदे ते परमात्मा दा शुकराना करदे ने। यह है उस संतोख वाला जीवन जेड़ा भाई शीआं दे कोल है, ते उहनां दे संतोख वाले जीवन नूं देख के ही गुरु नानक साहब जी का प्यार जागया भाई लहणा जी के मन में, कि जेड़े सिख का अपना जीवन इन्ना उच्चा है उहदा गुरु किन्ना उच्चा होवेगा। तां ही कहिंदे ने विद्वान कि सिख तुरिया फिरदा सिखी का प्रचारक है, सिख का जीवन जेड़ा उह सिखी का प्रचार करता है। अगे समझा रहे ने भगत कबीर जी, लक्ष्मी बारस्यों ज्यों ल्यो ल्यावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै। कई तो माया के पिछे भजदे, पर जेड़े माया के पति परमात्मा दे नाल लिव जोड़ लैंदे हन, उन्हां दे सारे दुख दूर हुंदे ने। उह साध संगत जी फिर हर तरह का सुख अपने जीवन दे विच माणदे हन। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अज हूं नहि चेते। कई इस संसार ते आके माया दे विच पदार्थां दी दौड़ दे विच खप जांदे ने, पदार्थां दे पिछे खप खप के अपने जीवन नूं साध संगत जी अकारथ ही गवा लैंदे ने। खिरत खपत अज हूं नहि चेते, जिंदगी लंघ जांदी है ते अजे भी परमात्मा दा चेता, नाम दा चेता जीवन दे विच नहीं। अब जग जान जो मना रहै, पर जे गुरु की कृपा हो जावे, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनिहा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिश्ट अस देहा। जे मन सड़ बल भी जावे तां भी गुरु की संगत में आवे तो गुरु सड़े हुए मन में भी सोना बना देता है, पर जिहड़ा गुरु की शरण दे विच आ जावे, जिहड़े आ जाते ने अब जग जान, वह फिर सारे थां परमात्मा नूं जाणदे ने। जो मना रहे जिन्हां दे मन दे विच लिव लग गई, जय का बिछड़ा तै थिर लहे, फिर जिथों विछड़दे जिहड़े परमात्मा तो विछड़े उस परमात्मा दे नाल उहनां दी सांझ बण आउंदी है। ये 52 अखरी बाणी की इथों तक विचार, अगे जिहड़ा आखरी बंद 52 अखरी बाणी का 45वां बंद, सारी बाणी का सार भगत कबीर जी सानू समझा रहे ने। 52 अखर जोरे आण, सकिया ना अखर एक पछाण। कहिंदे इस 52 अखरां दी वरतों करके बड़ा कुछ लिख दिता गया, बड़ियां किताबां, बड़ा ज्ञान लिखिया गया, पर कई ज्ञान लिखण वालिया ने इन्हां 52 अखरां दे नाल ते बहुत कुछ लिख दिता, पर सकिया ना अखर एक पछाण, पर उस एक अखर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की पछाण ना कीती। तां ही करके कई वड्डियां वड्डियां किताबां पढ़न वाले लिखण वाले जिहड़े ने उह ज्ञान दे हंकार दे विच तुरे फिरदे ने। उहदा कारण इह है, ज्ञान तां बेअथा है साध संगत जी, अथाह ज्ञान है, पर हिरदे दे विच परमात्मा दा प्रेम नहीं, उस एक अखर दी पछाण हिरदे दे विच नहीं। सत का शब्द कबीरा कहै, पंडित होए सो अणपै रहै। भगत कबीर जी कहिंदे मैं सच दी गल तुहानूं दसण लगा, जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ जांदे ने, असल दे विच उही पंडित, इत्थे पंडित शब्द दा भाव है ज्ञानी, इत्थे पूजा करन वाला पंडित नहीं, इत्थे ओह पंडित दी गल नहीं, इत्थे पंडित दा भाव है ज्ञानवान, ज्ञानी, समझदार, सियाणा। कहिंदे असल दे विच उही सियाणा, उही समझदार जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ गया, ओह अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नूं अणपै रहै। अणपै दा भाव कि हर थां अनुभव करदा, हर थां परमात्मा नूं महसूस करदा। पंडित लोगों को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत् विचार, पर कई साढ़े वर्गे जिन्होंने चार किताबा पढ़ के केवल दे केवल जुबान दे उपर ज्ञान, हिरदे दे विच ज्ञान धारण नहीं किया साध संगत, उन्होंने फिर इन अखरों के ज्ञान नूं अपना विहार, अपना व्यापार बना लेंदे ने। ज्ञानवंत को तत् विचार, पर जेड़े सचमुच दे ज्ञानी हुंदे हन उह साध संगत जी तत् दी विचार करदे ने, वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाम दी विचार करदे ने।
जाकै जी जैसी बुद्ध होई। आखिर दे विच सारी बावन अखरी बाणी का निचोड़ है आखिरी पंक्ति दे विच। आप जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दो बावन अखरी बाणिया के दर्शन करते हो, एक धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की, एक ए भगत कबीर साहब जी की। पट्टी बाणी आउंदी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आसा राग दे विच, गुरु नानक साहब जी की अते गुरु अमरदास पातशाह जी की। इन्हां चौवां बाणिया दे विच अखरां नूं आधार बना के सात संगत जी गुरमत दृढ़ करवाई गई है। सतगुरां ने बाणी दे विच हर एक उह हीला वरत्या जिहदे नाल मनुख नूं सोझी पै जावे। किते अखरां नूं आधार बनाया, किते महीनियां नूं आधार बना के बारहवां लिखिया, किते सत दिनां दे नाम जिहड़े उहनां नूं आधार बना के सानूं सोझी दित्ती है। भाव कि किसी ना किसी तरीके दे नाल इंसान दे जीवन दे अंदर गुरमत आ जावे, गुरु दा उपदेश गुरु दी सिक्ख्या आ जावे। भगत कबीर जी आखिर दे विच बचन कर रहे ने जाकै जी जैसी बुद्ध होई। कहिंदे जिद्दां दी किसी दी बुद्ध अकलमत हुंदी है, जिद्दां दी किसी दे कोल सोझी हुंदी है, कह कबीर जानेगा सोई, उही उन्हां 52 अखरां दे नाल उह जानदा है, उह पढ़दा है, उह लिखदा है। सात संगत जी इन्हां अखरां दे नाल ही बाणी दा पाठ भी लिखिया जा सकदा, पढ़िया जा सकदा। इन्हां अखरां दे नाल ही लच्चर गीत भी लिखे जा सकते ने, लच्चर लिटरेचर भी लिखिया जा सकदा, पढ़िया जा सकदा। ये तो हुण अगले दे अपने मन ते है कि उहदे मन दे विच की है। जिन्हां दे मन दे विच परमात्मा दा प्यार, जिन्हां दे मन दे विच गुरु दा प्यार, वो सात संगत जी इन्हां अखरां की पढ़ाई करके गुरु की बाणी नूं पढ़ते ने अपना जीवन सफल करते ने। जिहड़े गुरु के प्यार तो सखड़े ने वो इन्हां अखरां की पढ़ाई करके होर हंकार दे विच पए रहिंदे हन, होर लोभ लालचां दे विच फसे रहिंदे हन। असीं सतगुरु पातशाह जी के चरणों के अरदास करिए कि पातशाह साढ़े ते कृपा करनी, इन्हां अखरां का सानू ये ज्ञान मिल जाए कि इन्हां अखरां दे नाल असीं तुहाडी बाणी का पाठ कर सकीए। नाल ही एक यह भी बेनती है सात संगत जी, असीं अपने घरां दे विच आप भी खुद पंजाबी पढ़िए, पंजाबी बोलीए, अपने बच्चों भी सात संगत जी पंजाबी दे नाल जोड़िए, क्योंकि गुरबाणी का जो आनंद पंजाबी दे अखरां दे विच है, गुरमुखी दे विच है, वह किसी भी दूजी भाषा दे विच नहीं। भावें कि सौख वास्ते असीं अज ट्रांसलेशन कर रही है, पर गुरु साहब जी ने जिहड़े अखरां नूं आधार बना के गुरबाणी की रचना की, उहदे पिछे कोई बड़ा वड्डा कारण है कि ये अखर जिहड़े वह वरते गए ने। इस वास्ते बच्चों नूं भी गुरमुखी के अखरां के ज्ञान के नाल जोड़िए, खुद भी उस ज्ञान के नाल जुड़िए, आप भी पंजाबी पढ़िए, पंजाबी बोलीए, बच्चों नूं भी जोड़िए। पंजाबी बोलनी है कोई अनपढ़ता की निशानी नहीं, कोई भी बोली जिहड़ी वह पढ़ाई करके सिक्ख्या लैके ही समझ दे विच आउंदी है। सो ये बेनती नूं भी आप सारिया ने जरूर प्रवान करना। आप सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, सत्कारयोग सिंह साहिब जी, ज्ञानी हरनाम सिंह जी हुणां दा धन्यवाद, कोटान कोट शुकराना। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, जिन्हां ने साढ़े सारिया के सिरां ते मेहरां भरिया हथ रख के सानू अपने चरणा अंदर जुड़ बैठन का सुभागड़ा समा बख्शिश किया है। होइया बेअंत भुलां की खिमा अते अगे वास्ते असीस बख्शदे आं। फतेह सांझी करो, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।